दोस्तों, ड्रग्स एंड अल्कोहल आर नॉट कूल, दे मेक यू लुक लाइक अ फूल। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारी प्रिया के साथ, लेकिन सही समय पर सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर की मदद से वह फिर से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे पाई। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आइए देखिए, इसलिए नशे को छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी को नया मोड़ दीजिए, नशे को छोड़ दीजिए। कैसे, आइए देखिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक दिन प्रिया बड़ी एक्साइटमेंट में अपने घर आई, सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। माँ, एक गुड न्यूज है, मुझे ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। माँ माँ, प्रिया की सफलता देखकर माँ को अपनी बेटी पे बेहद गर्व महसूस हुआ। और साथ ही कुछ सालों पहले प्रिया के साथ जो हादसा हुआ था वह भी याद आ गया। कितनी बदल गई है ना प्रिया, याद आते हैं उसके कॉलेज के दिन। ऐसा कुछ हुआ था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आवाज बढ़ाओ ना, बढ़ाओ। प्रिया संजय को अपना सब कुछ मान चुकी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि संजय उसे इतना बड़ा धोखा देगा। एक दिन फोन की घंटी बजी और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अभी तुमसे मिलना है। अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन कुछ दोस्तों की टोली प्रिया के पास आई, शायद वो मदद करने के इरादे से आए थे। Thank you.
आपने देखा ना क्या हाल बना के रखा है अपना। प्रिया के दोस्तों ने अपने परेशानी से लड़ने का जो रास्ता प्रिया को बताया, क्या वह सही था? और प्रिया तो पूरी तरह से अपना होश गवा चुकी थी। बेचारी ये जान ही नहीं पाई कि शराब की बोतल उसे खत्म कर रही थी या वो शराब की बोतल को खत्म कर रही थी। ड्रग्स और चरस की जैसे वो आदी हो गई थी। अगर ये सब उसे नहीं मिलता तो वो चीखती, चिल्लाती, अपना आपा खो बैठती। उसे तरह तरह के भ्रम होने लगते। उसने अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो दिया था। बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर तरह तरह के लोग तरह तरह की सलाह देकर जाते थे और भारतीय परंपरा के अनुसार काला जादू भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर बाबा ही करते हैं। स्पीकर भी अधिक अमर है महादेव है। पाखंडी बाबा और उसके चेलों ने प्रिया और उसकी माँ के सारे गहने और पैसे लूट लिए। फायदा तो कुछ होना ही नहीं था। आखिरकार एक समझदार महिला ने प्रिया की माँ को समझाया कि प्रिया एक व्यसनाधीनता नाम की बीमारी से गुजर रही है और उसे ट्रीट करने के लिए एक साइकियाट्रिक डॉक्टर की जरूरत है। उसकी सलाह मानकर प्रिया की माँ ने प्रिया को सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर लिया और प्रिया की जिंदगी में आशा की एक नई किरण जागी। कुछ पाने की हो आस पास कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले कुछ भी।
नशे में धुत होकर ये प्रिया तो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। थैंक्स टू सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। अब मैं घर जाकर अपना MBA पूरा करूंगी और जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगी। ये वादा रहा मेरा अपने आप से।